हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम 9 ऐसी नई साउथ इंडियन मूवी की बात करने वाले हैं जो फिलहाल में अभी यूट्यूब पे हिंदी डब में अवेलेबल हुई है। तो इस लिस्ट को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आने वाली मूवी है किन्नावल्ली। किन्नावल्ली 2018 की मलयालम लैंग्वेज फैंटेसी हॉरर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है सुगीत ने। फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे अजमल जैन, सुरभि संतोष, और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विजय जॉनी, क्रिस मेनन, सुजीत राज और सौम्या मेनन। किन्नावली मूवी को आईएमडीबी में 6.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेम नाम यानी कि किन्नावली के नाम से पूरी तरह से कम्प्लीट करवाई हुई है। और ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पे गोलमाइंस टेलीफिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में किन्नावली के नाम से देखने को मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। आप वो मूवी जाके एंजॉय कर सकते हो। इस लिस्ट की अगली यानी कि दूसरे नंबर पे आने वाली मूवी है कल्लारा सांते। कल्लारा सांते 2009 की कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है सुमना कित्तूर ने। फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे रॉकिंग स्टार यश, हरिप्रिया। कल्लारा सांते मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए दारवी मीडिया वर्क्स ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग कहानी चोरों की नाम से कंप्लीट करवाई हुई है। और ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पे हिंदी डब में कहानी चोरों की नाम से देखने को मिलेगी। और इस मूवी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वो मूवी जाके एंजॉय कर सकते हो। इस लिस्ट की अगली यानी कि तीसरे नंबर पे आने वाली मूवी है वेंकटापुरम। वेंकटापुरम 2017 की तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वेणु मदिकांती ने। फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे महिमा मकवाना, राहुल हरिदास और अजय। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जोगी नायडू, अजय घोष और काशी विश्वनाथ। वेंकटापुरम मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए पेन मूवीज ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग वेंकटपुर के नाम से पूरी तरह से कम्प्लीट करवाई हुई है। और ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पे वेंकटपुर के ही नाम से हिंदी डब में देखने को मिलेगी, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, आप वो मूवी जाके एंजॉय कर सकते हो। इस लिस्ट की अगली यानी कि चौथे नंबर पे आने वाली मूवी है पक्का। पक्का 2018 की तमिल लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है एसएस सूर्या ने। फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे विक्रम प्रभु, निक्की गलरानी और बिंदु माधवी। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सूरी, सतीश, नीलागल रवि, आनंद राज और भारती कनन। पक्का मूवी को आईएमडीबी में 1.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स रिस्पांस मिला था। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए एडवाइस मीडिया डिजिटल ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग स्मार्ट खिलाड़ी के नाम से पूरी तरह से कम्प्लीट करवाई हुई है। और ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली एडवाइस मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि साउथ एक्शन हीरोज के चैनल पे हिंदी डब में स्मार्ट खिलाड़ी के नाम से देखने को मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, आप वो मूवी जाके एंजॉय कर सकते हो। इस लिस्ट की अगली यानी कि पांचवे नंबर पे आने वाली मूवी है अथिरता। अथिरता 2017 की कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है महेश बाबू ने। फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे चेतन कुमार और लता हेगड़े। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो कबीर दुहान सिंह, साधु कोकिला, अविनाश, अच्युत कुमार और सुधा बेलवाड़ी। अथिरता मूवी को आईएमडीबी में 5.3 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए आरके दुग्गल स्टूडियोज ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग फर्जी के नाम से पूरी तरह से कंप्लीट करवाई हुई है। और ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पे फर्जी के नाम से आरकेडी प्राइम टाइम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, आप वो मूवी जाके एंजॉय कर सकते हो। इस लिस्ट की अगली यानी कि छठे नंबर पे आने वाली मूवी है मुन्नोडी। मुन्नोडी 2017 की तमिल लैंग्वेज मसाला एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है एसपीटीए कुमार ने। फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे हरीश, यामिनी भास्कर और सिजोय वर्गीस। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अर्जुना, पवेल नवन गीतन, सितारा और सुजा वरुणी। मुन्नोडी मूवी को आईएमडीबी में 4.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से,
जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज हिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए वाइड एंगल मीडिया यानी कि वाम इंडिया मूवीज ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग जिद्दी 3 के नाम से पूरी तरह से कम्प्लीट करवाई हुई है। और ये मूवी अभी आपको हिंदी डब मूवीज टॉकीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में जिद्दी 3 के नाम से देखने को मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, आप वो मूवी जाके एंजॉय कर सकते हो। इस लिस्ट की अगली यानी कि 7वें नंबर पे आने वाली मूवी है सांता। सांता 2007 की कन्नड़ा लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है एस मुरली मोहन ने। फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे शिवराज कुमार, आरती छाबरिया, और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो श्री देविका, संगलियान, कोमल कुमार और हेमा चौधरी। सांता मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग शंकर उस्ताद के नाम से पूरी तरह से कम्प्लीट करवाई हुई है। और ये मूवी अभी आपको YouTube पे गोलमाइंस के ऑफिशियल YouTube चैनल पे हिंदी डब में शंकर उस्ताद के नाम से देखने को मिलेगी, और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, आप वो मूवी जाके एंजॉय कर सकते हो। इस लिस्ट की अगले यानी कि 8वें नंबर पे आने वाली मूवी है नैनोस्था। नैनोस्था 2016 की तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है प्रणात कल्याण ने। फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे आपको ज्ञानन प्रकाश, सूर्या श्रीनिवासन और प्रियंका पल्लवी। नैनोस्था मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए प्रिया वीडियोज ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग संकी आसिक के नाम से पूरी तरह से कंप्लीट करवाई हुई है। और ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पे प्रिया वीडियोस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे संकी आसिक के नाम से देखने को मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, आप वो मूवी जाके एंजॉय कर सकते हो। इस लिस्ट की अगली यानी कि 9वें नंबर पे आने वाली मूवी है क्रेजी बॉय। क्रेजी बॉय 2016 की कन्नड़ा लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है महेश बाबू ने। फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे दिलीप प्रकाश और आशिका रंगनाथ। क्रेजी बॉय मूवी को IMDb में 4.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ग्रोसर साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट किए हुए आरके दुग्गल स्टूडियोज ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग फाइट मास्टर के नाम से पूरी तरह से कंप्लीट करवाई हुई है। और ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पे आरकेडी प्राइम टाइम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे फाइट मास्टर के नाम से ही देखने को मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, आप वो मूवी जाके एंजॉय कर सकते हो। तो बस गाइस, फिलहाल में यही 9 नई साउथ इंडियन मूवी है जो अभी यूट्यूब पे हिंदी डब में अवेलेबल हुई है, और इन सभी मूवीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, और आप ये मूवी एक के बाद एक बारी बारी जाके एंजॉय कर सकते हो। और फिल्म देखने के बाद हमें कमेंट करो कि आपको इनमें से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई। तो और बेसन है साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की अपडेट के लिए, और सभी प्रकार के साउथ इंडियन मूवीज के यूट्यूब प्रीमियर के रिगार्डिंग कन्फर्म और ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।